हमारे साथ है ईशा देओल, आइए जानते हैं उनका फैशन मंथ। वेलकम टू जूम। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि आपने वेट लॉस किया है। थैंक यू वेरी मच। सो क्या क्या खास किया कि किस तरीके से आपने अपना वेट लॉस किया है? खास क्या किया मैंने, मैं हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करती हूँ मेरे ट्रेनर सत्या के साथ, और कार्डियो करती हूँ रोज़। ईट राइट, बी हेल्दी, दैट्स इट। और ईशा बताइए, आपका फैशन मंत्र क्या है? आप किस तरह से फैशन वर्ल्ड को देखती हैं और आप अपने आप को किस तरह से पार्टी के लिए तैयार करती हैं? देखिए, मैंने आज जो ड्रेस पहना है वो सिमोन कंबाटा का है, एंड शी इज़ एन अपकमिंग डिज़ाइनर। शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड माई सिस्टर्स। आई एम हियर टू सपोर्ट हर। एंड फैशन मंत्र, मैं बस यही बिलीव करती हूँ कि बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर वेयरिंग, फील कंफर्टेबल। एंड यू नो, आजकल क्या होता है कि फैशन में ये है वो है, तो वही पहनना ज़रूरी नहीं। अगर वो आपको सूट नहीं करता तो मत पहनो आप। ईशा, 2011 जा रहा है और 2012 की लोग तैयारी कर रहे हैं, आप क्या तैयारी कर रही हैं 2012 को वेलकम करने के लिए? बहुत सी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में। डेफिनेटली आई प्रे फॉर यू नो द गुड विल ऑफ माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन, एंड आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्कूल टाइम में एक सवाल है कि स्कूल टाइम में आप किस तरह से थी? जब स्पेलिंग की बात आती थी, जब आपसे पूछा जाता था कोई भी वर्ड की स्पेलिंग, तो आप कैसी थी स्कूल टाइम? बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। स्पेलिंग्स मेरे बहुत ख़राब है, अभी भी ख़राब है। थैंक गॉड मेरे आईफोन में डिक्शनरी है, तो वो यूज़ करके मेरा स्पेलिंग्स ठीक हो जाता है। अच्छा, अभी एक हम टेस्ट लेते हैं, हम आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग बोल दीजिए। HIPPOPOTO। कहीं जाने वाली है न्यू ईयर में? कहीं खास घूमने की कुछ तैयारी है आपकी? क्यों नहीं, 2012 आ रहा है, एंड एवरी न्यू ईयर स्पेशल, एंड एवरी न्यू ईयर आई मेक इट अ पॉइंट टू गेट आउट ऑफ द कंट्री, सो दिस ईयर आल्सो आई एम गोना गो समवेयर रियली नाइस। एक और सवाल, काफ़ी खबरें आ रही है कि आपने एंगेजमेंट कर ली, क्या की है? जूम को बताइए आप खुद ही। रिंग है? नहीं है ना। थैंक यू।